स्टिल रिमेम्बर शोभित भाई का वो इरिटेटिंग फेस है, मैं और जुनेद का ट्र 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 गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो इस ट्रिप पे एक चीज़ जो मैंने शनि से डिसाइड की है कि जब जब स्काई रात को सो जाएगी लाइट ऑफ करके मैं भी उसके सो जाऊंगा। टुडे वो उठ गई थी अराउंड 4:30 को और वो क्यों उठी, इसलिए नहीं कि नींद पूरी हो गई उसकी, क्योंकि उसने बहुत सारा वॉमिट कर दिया, अब फंसा होता है इसके अंदर। इसलिए लास्ट ब्लॉग में आपने देखा वो खुश तो थी बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी अपने आपको। एंड में शुरू में अच्छी थी बिकॉज वो कफ काफ़ी हो गया था इसका, इसलिए वो ज़्यादा वॉक नहीं करी थी। घर में आ गया उस टाइम उसको फोर्सफुली खाना खिलाया, आई थिंक वहाँ पर गलती कर दी हमने, इसको सोना था फिर भी फोर्सफुली खाना खिलाया। और जब सोई तो उसने पहले हल्का हल्का निकाला 11-12 बजे, बट वो निकाल के सो जाती थी वी सॉ, बट 4:30 को उसने प्रॉपर वॉमिट किया एंड हमने उसके बाद उसको दूध पिलाया एंड देन अगेन वो हो गया। आई एम सॉरी मैं सुबह सुबह आप लोगों के लिए वॉमिट की बात कर रहा हूँ, बट एज अ पेरेंट आई थिंक जो पेरेंट्स देख रहे हैं या जो पेरेंट्स बनने वाले वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एंड आई वांट टू डॉक्यूमेंट दिस बिकॉज फ्यूचर में शायद मैं देखूँ या फ्यूचर में आप लोग देखो तो आपको भी समझ में आए कि एक पेरेंट क्या जिसे गुजरता है। तो हम लोग ने उसको दूध पिलाया, दूध भी उसने वॉमिट कर दिया, देन में डर गया। एंड नाउ शी स्लीपिंग नाइसली, आई कॉल्ड माय मॉम सेड कि मेरी मॉम को भी कफ जम जाता है। मॉम ने बोला था ऐसे टाइम में तो कुछ मत दे उसको, भूख लग रही है लगने दे, सुला दे उसको बिकॉज वहाँ कफ जमा है तो खाना डालेगा ना पूरा बाहर फेंक रहा है। ऐसे टाइम में खाना आके वो खेलेगी तो डिफरेंट स्टोरी है, बट वो सो जाएगी तो बाहर आ जाएगा। पहले ठीक है एंड नाउ स्काई स्लीपिंग, शनि जो मेरी नींद हो गई। सो वेलकम बैक टू चैनल, आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। जब स्काई पैदा नहीं हुई थी, जब हमारी शादी भी नहीं हुई थी मेरी और शनि की, तो हमारे जो दोस्त जो ऑलरेडी पेरेंट है वो बोलते थे कि भाई, मैं बोलते थे बच्चे लोग को लाना ट्रैवल करने के लिए, सब बोलते थे निखिल बोलना इजी है, तेरा बच्चा होगा तो मालूम पड़ेगा ट्रैवलिंग करना कितना मुश्किल है, कभी बीमार पड़ जाता है, कभी उनको भूख लग रही है, कभी बाहर नहीं जाना, कभी खेलना नहीं, गाड़ी में सो जाता है, बहुत तकलीफ होती है। एंड तू तो व्लॉगर है, तेरा बच्चा होगा तो तू बिल्कुल भी नहीं घुमा पाएगा उसको बिकॉज तेको काम भी करना है। हम तो जो लोग तो मेरे दोस्त आते हैं वेकेशन पे, तू काम नहीं कर पाएगा, सो नहीं पाएगा, उठ नहीं पाएगा। मैंने नहीं, मैं देख लूँगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज़ डिफिकल्ट बट इट इज़ अ वन रोलर कोस्टर एडवेंचर राइड एंड इट मेक्स यू लर्न सो मेनी थिंग्स अबाउट लाइफ। एंड देखो कभी कभी होता है ये चीज़, 10 में से एक या दो बार हो जाएगी, बाकी 8-9 दिन तो अपनी बच्ची खेलती है और उसको देख के भाई व्हाट इज़ द होल पर्पज ऑफ लाइफ, थोड़ी ना मुझे व्लॉग करके काम करना है, मेरे को इन्जॉय करके लाइफ जिंदगी जी के व्लॉग बनाना है। शायद स्काई का साथ नहीं छोड़ रही, मैं उसको बोल रहा हूँ डोंट वरी चल ऊपर, मैं आके नीचे देख लूँगा उसको, ऐसा बेड पर परेशान रहेगी तो नहीं चलेगा ना। और आज हम लोग को कहीं जाना भी, तुझे भी पता। ओ बिना बच्चे का आदमी जी ले अपनी जिंदगी अभी। जी ले, उठ जा, 7:30 हो गए। टेंशन तो उसको कुछ होता है तो अपने को भी होता ना भाई। हाँ वो भी है। ये शोभित ने बहुत अच्छी बात बोली कि अगर स्काई को कुछ होता है तो किसी को भी नींद थोड़ी आएगी, तो अभी स्काई सो रही तो ये भी अच्छे से सोया बिकॉज तो रोती है ना, तो क्या यहाँ पर घर में ना आवाज़ बहुत इजीली ट्रैवल होती है तो रोती तो सबको सुनाई देता था, बट हालांकि अपनी बच्ची इतना रोई नहीं है, बट फिर भी एक्सक्यूज अच्छा है। शोभित 7:30 बजे उठा, रूल था 7:30 बजे उठ जाएंगे। नहीं कोई टेंशन नहीं है, अभी वो ठीक हो गई है। अभी चल उठ रहे हैं, अगर तू नहीं उठेगा ना मैं इसको डिफ्लेट कर दूंगा। देखो डिफ्लेट का बटन, ये डिफ्लेट ओ नीचे नीचे, ये देखो नीचे जा रहा है, इन्फ्लेट नहीं होगा। अरे बाप रे बाप, ऐसा कोसी रहना चाहिए, ऐसा करके देखो कितना अच्छा लग रहा है। क्या बोला, तो नौकरी पे लेट आया आज। बढ़िया, एक्चुअल में एयरबड अच्छा चला, ऐसे तो कर। अभी देखो ऐसा बिल्कुल ऐसा हो गया, सारे बच्चे भी कोजी आदमी तो, है ये तो बादलों में सोया। अभी ये हाथ से ही मरते इसको, इसका मशीन देते, इंडिया से सिखा के लाया इसको, फिर भी आदमी भी पैर नहीं मर रहा। जोर से मारो तो नहीं कुछ नहीं होगा, अपने वीडियोस देखे एक जा कोई जंप मार दे अबे फट जाएगा, फट नहीं जाएगा तो ऊपर उड़ के सीलिंग पे लगेगा सीधा डाइनिंग टेबल पे निकलेगा। अरे भाई वेट का भी होगा ना तो फट ही जाएगा जैसे। तो ये सारी चीज़ जो मैंने मंगाई थी व्हेन आई वाज इन मुंबई, अभी आ गया ये चीज़। और सबसे इम्पोर्टेंट ये बेसिकली जो हैंड गार्ड होते हैं ना उस पे विंटर में कवर होता है, ये वेल्डिंग का चश्मा, वेल्डिंग का चश्मा कुछ भी नहीं रहा है, ये ड्रामा कर रहा है।
ड्रावा कर रहे हैं पहनने का। और कहाँ गया इम्पोर्टेंट चीज़, ये जैकेट मंगाया, सबसे इम्पोर्टेंट ये मंगाया, ये पावर करना पड़ेगा अपने को नया, है ना। गाइस देखो मैं कितना शानदार दिख रहा हूँ मेरे जैकेट में और मेरे $2 के चश्मे में। एक काम करो, इसको पहन के निकल जाओ तुम, न्यूयॉर्क में तुम्हारी बहुत डिमांड हो जाएगी, सीधा मुझे पासपोर्ट तमाम देंगे। अरे वाह, आई लुकिंग सो, पुलिस वाले बोलेंगे तू गलती से इमिग्रेशन से छोड़ दिया भैया, तुम्हें वापस बुला रहे हैं। बाजी लो जलता है साला। अरे क्या जलता है, ये लड़की वाला जैकेट पीछे लड़की वाला लिखा है, डैडीज गर्ल लिखा है तो स्टाइल में लिखा है, डैडीज गर्ल लिखा है तो डैडीज गर्ल। चश्मा भारी लग रहा है यार, बोलता है वेल्डिंग वाला चश्मा। अभी क्या अपन को शाइनस को भी एक अच्छा बैग लेके, मैं जो एलवी पहनता हूं ओरिजिनल है, मेरे वाला एक फेक लेते हैं, देखते हैं डिफरेंस क्या है। ये अभी इसके बाद ये फेक एलवी लिखा नहीं है, पूरा बताओ ना इसके बाद क्या प्लान है। यहाँ भी वेल्डिंग का काम शुरू करना है, वेल्डिंग का काम शुरू कर रहा हूँ, वेल्डिंग अभी आज से चालू करना है। ओके जोक्स अपार्ट, लेट्स बी सीरियस। आज हमारा बैप्स अक्षरधाम टेम्पल जाने का पूरा पूरा प्लान है। अभी 8:45 हुए हैं, 10 बजे निकलने का प्लान है, लेकिन अभी सब कुछ स्काई के हेल्थ पे डिपेंड करता है, बिकॉज अभी हमने यहाँ पर एक पीडियाट्रिशियन को कॉल किया, बिकॉज हमारे पास यहाँ पर इंश्योरेंस नहीं है, तो ज़्यादा $100-200 लेंगे, लेकिन एक ने बोला कि देख वो जो मेडिसिन सजेस्ट करेंगे ना वो मैं ही बोल देता हूँ, वो यहाँ पर फार्मेसी में मिलती है, 0-6 months to 2 years के उसमें उठा ले, एंड दैट विल वर्क। सेम चीज़ लोग ये सजेस्ट करेंगे। अभी स्काई को कुछ बुखार उखार नहीं है, एंड नाउ शी स्लीपिंग नाइसली, सो वी आर टेकिंग अ कॉल इसमें क्या करना है। और ऋषभ जो है, ऋषभ भी आ रहा है गाड़ी लेके, और उसकी गाड़ी में हम लोग जाने वाला था, वो चले जाएगा, उसका कुछ और दोस्तों के साथ प्लान है, उसकी गाड़ी हम लोग लेके घूमेंगे, उसकी गाड़ी लेके जाने का प्लान था, बट अभी वो शिकागो से आ रहा था, उसने टाइम जोन मिसकैलकुलेट किया, तो 9 की जगह वो खुद 10:30 बजे पहुँच रहा है, तो हम 10:30 के बाद ही निकलेंगे, बट होपफुली आज टेम्पल जा सके, आज नहीं जा पाए तो कल चले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी इसकी मम्मी व्लॉग देख रही थी, इसकी और तेरी रीना की कजिन की, तो क्या बोली, तो बोले बोले कि ठंडी पैरों से घुसती है, एक्चुअली स्काई बिना सॉक्स के चली रहा घर के अंदर, वो शी कैन स्लिप एक्चुअली, इसलिए हमने सॉक्स नहीं पहनाया उसको, बूढ़े ना नीचे इसके लिए। एंड सो नाउ माय मॉम इज लाइक, एक कपड़ा ले थोड़ा सा अजवाइन, इसको भून ले गैस पे, और फिर इसको एकदम गर्म करना कपड़े को, एंड लेट हर ब्रीद इट, उससे उसका नोज जो है खुल जाएगा, एंड फिर टेक सम गार्लिक अजवाइन एंड सम ऑयल, एंड देन उसको डाल के उसके पैरों पे मलो, पूरा हीट बढ़ जाएगा बॉडी में। ये अपने इंडियन नुस्खे बड़े सही होते हैं, 100% काम करते हैं। और पूरे नुस्खे ट्राई करने के बाद शी इज फीलिंग ऑलराइट। तूने क्या किया शानिस? I put garlic and अजवाइन का तेल उसके पूरे पैर पे, पेट पे, बैक पे और चेस्ट पे। और अभी यहाँ पर रखा था, इसका टॉप निकाल के पूरा सनलाइट गिरा। Now she's feeling all right. ये बोल रही है मुझे खाना है, और इसका खाना वहाँ पर पीछे खिचड़ी रखा हुआ है। मैं खिला रही हूँ। जब तुझे खिला रही है। बोली मम्मा ने पूरी रात मेरा ध्यान दिया, अब मैं दूंगी मम्मी का ध्यान। फिर मम्मा ने ध्यान दिया। ये देखो अभी। खुद के वीडियोस देख के हंस रही है। हम लोग अभी फार्मेसी आए हैं, इन केस यू नो कभी फ्यूचर में कुछ गड़बड़ होता है स्काई के साथ, एटलीस्ट हमारे पास मेडिसिन रहेगी। देसी नुस्खे तो हमेशा काम करते, लेकिन बाय ऑन रोड नहीं मिला तो क्या करेंगे। कौन सा कोल्ड एंड फ्लू? इंग्लिश आता है ना? हाँ आता है, अच्छे से। अमेरिकन इंग्लिश आता है? अमेरिकन इंग्लिश भी आता है, जो इंडियन इंग्लिश अलग लिखता है। कोल्ड एंड फ्लू का एज अभी घर पहुंच गए, एंड ऋषभ भी क्या टाइम पे पहुंचा है, एक बार डिग्गी दिखा देते हैं। देखो भाई क्या लगता है, मुश्किल लगता है? एक और नीचे कर देंगे अपन, हाँ तो सामान आ जाएगा। नहीं ऐसा भी कर सकते हैं, मैं ये फ्लाइट का चेक इन तो लिया ही है मैं। जब ऑल द वे शिकागो से आया, मुझे पहले ये बता कि वहाँ का वेदर ज्यादा ठंडा है कि यहाँ? जब यहाँ बेटर है, अभी यहाँ बेटर है, और ये बेटर हुआ है। दो दिन पहले यहाँ पर भी बहुत खराब था, तो मतलब शिकागो थोड़ा ज़्यादा ठंडा है, एंड शिकागो इज़ अ विंडी सिटी। एनीवेज अभी हम आज का प्लान कर रहे हैं, तो आज हम बैप्स नहीं जाएंगे क्योंकि अभी इट्स टू लेट, 11 बज रहे हैं, तो बैप्स जाना 1 घंटा, फिर बैप्स में रहना 3 घंटा, फिर उसके बाद कुछ कर नहीं पाएंगे। और स्काई अभी ठीक हो गई है, अच्छे से खेल कूद रही है, बट हमें रेडी होने को टाइम लगेगा। रेडी हो तो 12:30 बजेंगे, तो वी गोना रीच इज वेरी लेट। प्रॉब्लम है कि विंटर में यही टाइम एडजस्टमेंट करना पड़ता है कि 4:30 के पहले सब लिपटा दें। कोई नहीं, तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर एक बाजू में एक स्पॉट है, वहाँ पर वहाँ से जाएंगे। अमेरिकन ड्रीम एक जगह है जहाँ पर स्काई सब खेल सकते हैं, हम भी वहाँ पर अच्छे से घूम सकते हैं। तो कल, अभी सब हो गया, कल जाएंगे हम लोग मंदिर। इसको कब से बाहर आने का मन कर रहा था, डोर देख के कर रही थी। अच्छा लग रहा है बेटा आज तो, जो लेयर पे लेयर किया मैंने भी, देखो इसके अंदर लेयर दिख रहा है कि नहीं आपको, सब लेयर पे लेयर किया है। लेयर, वेयर इज योर ब्लैक जैकेट? वेयर लेयर इज वेयर, अरे यार शूज नहीं पहनाया, लेयर लेयर चेक क्लियर हो रहा है, मेन ये। और पूरा जो है दादी माँ के नुस्खे सब स्काई पर लगा दिए, आजमा दिए, अभी कोई टेंशन की बात नहीं। और अभी हुआ
तो फिर भाई ऐसा मत करना भगवान। हाँ भी फेल नहीं होते दोस्त। दादी माँ बोलेगी अम्मा बहन पे आ जाऊंगी मैं, अम्मा बहन पे आ जाऊंगी। रोड ट्रिप का फुल बंदोबस्त हो चुका है बिकॉज राउटर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा लास्ट टाइम मैंने टी मोबाइल का सिम लिया जो कि बेस्ट है यहाँ पे, लेकिन हॉटस्पॉट जो है शेयर नहीं कर सकते, तो इस बार पूरा रिश्वत में जुगाड़ कर दिया है, सीधा राउटर ही उठा लिया। मतलब पूरे यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा चलेगा, कनाडा का पता नहीं बट यूनाइटेड स्टेट्स में तो चलेगा। हर जगह अपने को वाईफाई इंटरनेट मिलेगा, जितना अपलोड करना जैसे अपलोड करना है वो हो जाएगा। आप सर मैडम कनाडा जा रहे हैं क्या? कनाडा चल चलते भाई, बताओ तो कहाँ जाना है यार। तू अपना सेटिंग लगा और मेरी बीवी को वीजा दिला, क्योंकि हमारे एजेंट ने गड़बड़ कर दी थी, वीजा मिल रहा था बट उसने बोला सर, क्योंकि उसने गलत सुना तो लगा स्काई के लिए इंडियन वीजा चाहिए, बट हमको चाहिए था शायद के लिए कनेडियन वीजा और वो नहीं मिला, कनेडियन वीजा और हम नहीं जा रहे कनाडा। अगली बार जाए क्या वो बेटा? कनेडियन वीजा वहाँ जाने का बेटा। भाई पहले मुझे लगा मैंने लेयर किया इसलिए मुझे गर्म लग रहा है, बट आज का वेदर चुमेश्वर है। अगर अपनी बेटी अगर स्काई के चक्कर में थोड़ा लेट नहीं होता था, सुबह सुबह पूरा दिन जो एंजॉय करते, बट आई होप कल परसों भी वेदर ऐसे, फॉरकास्ट तो एटलीस्ट यही बताता है, और अगर ऊपर ने साथ दिया तो शिकागो में भी ऐसा ही वेदर मिलेगा। मेरे को मून रूफ व्यवस्था लंबा वाला सनरूफ वाली गाड़ियाँ बड़ा पसंद है, व्लॉग करने में एक नंबर मज़ा आता है, लाइट लिटअप रहता है पूरा। और हालांकि भाई की गाड़ी टिंटेड है 85% जो कि टिकट मिल चुकी है, तो बोले जल्द तुम आपके जाने के बाद निकाल लेंगे, मैंने ठीक है। और यही गाड़ी लेके हम शिकागो जाएंगे जब निकलेंगे तो भी। इसको तो रूल्स एंड रेगुलेशन समझा दे, ये भी गाड़ी चलाएगा, मैं मेरे को तो पता है ये भाई एक्सपर्ट है। ये रोहन के घर के बाजू में एक दिस इज अ नाइस प्लेस, तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा स्काई को चलाएंगे। चलेगी नहीं बड़ा सोएगी। अरे बेटा पकड़ रहा हूँ धक्का ही दे दिया तूने तो। आज मौसम इतना अच्छा है ना गाइस, मतलब कसम से अगर ऐसा मौसम हमको न्यूयॉर्क में हर दिन मिले ना तो मजा आ जाए। ड्रोन ने बोला उड़ाओ तो चलो उड़ाते। आशा करता हूँ आपको ड्रोन शॉट अच्छा लगा होगा। ड्रोन शॉट के साथ साथ हमने बहुत सारे वीडियोस रील करने निकाले और फोटोज खींचे सबके, और स्लो मोशन शॉट भी आपको अच्छा लगा होगा। और देखो यहाँ पर हम मच्छी पकड़ सकते हो, लेकिन आपको मच्छी छोड़नी पड़ेगी यहाँ पर एक, अरे इतना कोई विंडी नहीं है, ऐसा ट्रेंड है। इसकी टोपी निकाल दी, उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और अब इसकी फुल बत्ती ग्लोरीशन गाड़ी में सो जाएगी। चलो अभी ठीक है, चलो अभी हवा चली, अच्छा ड्रोन वोन सब हो गया, अभी हवा चल रही है एंड वी आर हैविंग अ वेरी गुड टाइम। ठंडी है लेकिन सूरज देवता पूरा मेक श्योर कर रहे हैं कि हमें गर्मी भी लगे। मेरा ड्रोन ले लिया ना, कुछ भूले नहीं ना, वैसे तो अपना ही नेबरहुड है, कभी भी आ जाएंगे इधर। छोड़ देते ड्रोन। हाँ भाई दुबई वाला वीडियो नहीं बनाना है यार, छोड़ा वाला बड़ा गायब। अपना ही नेबरहुड है, अपना नेबरहुड है। बोलेगा अरे वाह इतना नया ड्रोन, अब तो ये लेके भी कॉम्बो एडिशन। ये टाइम पास चल रहा है, मॉडलिंग चल रही है, देख लो भाई। हाँ शाबाश, चेहरे पे हंसी मत आने दो। हाँ दूर से आदमी देखता होगा सोचता होगा क्या पगला गया। हाँ करना करना भाई, शाहरुख भाई इधर ही बने। हाँ समझ रहे ना,
तो अभी हम लोग जा रहे हैं अमेरिकन ड्रीम मॉल। अपनी बेटी जो है बस डेढ़ घंटे से सो रही है और हम लोग बस 45 मिनट पुराना बात ही कर रहे थे रोड ट्रिप के बारे में। और देखो ये होटल है हिल्टन जो हम 2019 में आए थे तब रुके थे। पूरी यादें ताज़ा हो गई, ये टोल क्रॉस करके सीधा घूम के ही आता था। क्या यादें यार, टेस्ला चलाई थी, सब चलाई थी, मज़ा आती थी। टेक्निकली मैं जब आया था, जब मैं और हैप्पी आए थे, हम लोग यहीं रुकने वाले थे, बट यूर गुड लक आशीष का फ्रेंड रोहन जो अभी मेरा भी दोस्त है और दोस्त बन गया, एंड देन ही ऑफर्ड अस टू स्टे इन दिस प्लेस और अभी तो फैमिली हो गई हमारी। अमेरिकन ड्रीम मॉल, अरे वाह, हमारा मोगैम्बो भी उठ गया है। मोगैम्बो बोल रहा है कुछ मजाक मस्ती करनी है, आज अपन मस्त फील कर रहा है, आज अपन ही भगवान है। अभी आधे घंटे बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं हमारी बिटिया जो है सुपर वुमेन मोड में आ जाएगी। क्रिसमस सॉन्ग इज बीइंग प्लेड। ये सेकंड लार्जेस्ट मॉल इन अमेरिका है। ये सेकंड लार्जेस्ट है कि लार्जेस्ट है? ये कमाल की चीज मिल गई, ये फ्री है बच्चे लोगों के लिए। भाई पैसा डाल दिया है, रिमूव कार्ड का ऑप्शन आ गया, खींचो खींचो। अगर बेटा तू नहीं बैठी ना, तेरा बाप ही क्या हुआ? मैं बोला लॉक हो गया क्या? एक ही नुकसान है इसका कि लिफ्ट लेके जाना पड़ता है, बट देन ये मॉल बहुत बड़ा है तो आई थिंक ये चीज लेना ना काम में आएगी, भले ये बैठे ना बैठे। बारी बारी शोभित मुझे ढकेल लेगा, मैं ऋषभ को ढकेल लूंगा, ऋषभ मेरे को ढकेल लेगा सब। तो यहाँ पर इंडोर आइस स्केटिंग भी होती है, पूरा कर सकते हैं, कंट्रोल टेम्परेचर है एंड अंदर इट्स क्वाइट वार्म। मैं ढकेलता हूँ उसको। इधर क्यों रख रही, मेरे बैग में रखना। मिस्टर बीस्ट बर्गर खाना है शोभित, वेज है क्या इधर? तो यहाँ पर देखो पैसे रखे हैं और मुझे नहीं पता था ये क्यों है। शोभित बोलता है कास्ट तोड़ो ले जाओ। हाँ, ऐसा मैंने चैनल देखा है। तोड़ सकते हैं जब तोड़ोगे तो पता लग जाएगा तोड़ सकते हैं। अरे भाई टूट जाएगा, क्या मजाक कर रहा है भाई। अच्छा वो तेरे चक्कर में जोर से नहीं मारा। ये ऐसी जेल में ऐसे कपड़े मिलते हैं यहाँ पर भाई, मैं कसम से मैं ऐसे मुक्का मारने लगा था, लेकिन मैंने बोला इस पे भरोसा नहीं है मुझे, इसने पहले भी ऐसे बदनाम किया तो मैंने नॉक किया, और नॉक किया तो उसी वक्त में समझ गया भाई ये अगर मैं और थोड़ा जोर से प्रेशर मारता ना पूरा का पूरा काट सके और मेरे घर में फंसवा देता। ऐसा है दुश्मन आया, दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है भाई। तेरा मैंने बेड का हवा निकाली, तू तो यार मेरी हवा निकाल रहा है भाई। भाई साहब तो कमाल की जगह दिख गई, लेके आते स्काई को। अभी बचपन में क्या करते अपन? अब मैं नहीं जाऊंगा, हमारे पास एसएल बढ़ता, घर नहीं जाऊंगा मैं, यहाँ तो मैं बच जाऊंगा। अरे भाई ये कैसा रोलर कोस्टर है? टाइम पे होमवर्क नहीं करते उन बच्चों के लिए। अरे वो क्या है भाई, ये बच्चों के लिए है ना, जायरोस्कोप इट्स लाइक मूविंग, वो भी हिलता रोल भाई। तो 36 इंच के ऊपर होना चाहिए, अपनी बेटी थोड़ी इतनी सी छोटी रह गई, अगर लंबी होती तो ही अलाउ करते, वरना अलाउड ही नहीं है। 36 इंच के ऊपर। और मैंने बोला मेरी गोदी में बैठ जाएगी, बोलते ना $1000 फाइन है लोगों को, हर किसी ने कंप्लेंट कर दी। तो बड़ा अच्छा रूल होना भी चाहिए। तो क्या करें बेटा, कहाँ लेके जाए तेरे को? फाइनली स्काई को इस पर लेके आया और इसको आई होप अच्छा लगेगा इस पर, बिकॉज खुद से बैठी है, डर नहीं रही है। एक्चुअली बहुत सारे बच्चे हैं ना इसके लिए, देखो चलेगा बेटा चलेगा। तो इसमें सीट बेल्ट डालनी पड़ती है, जैसे ही बाद में आया ये रोने लगी, उसको इसमें बैठा दिया मैंने, और इसको मैं इससे कंट्रोल कर सकता हूँ। इससे घुमा सकता हूँ मैं, वही कर रहा हूँ मैं। अब इसको ऐसे रखता हूँ। अभी सीनियर स्काई वहाँ पर बैठ गई है और जो जूनियर स्काई है वो अपने साथ है। चला चला तो बेटी को चला। Are you done? ये देखो मामा बैठ गई, अभी टेक ऑफ होगी। अरे बाप रे बाप, क्या तेज गई है भाई साहब। इस पे बैठ जाए, खाना खा के सब निकल जाए, बट मजा भी उतना है। शो पे जाने वाला ये राइड पे, ये वाली राइड पे उल्टा हो जाएगा। वाह वाह, वो हो जाएगा वो सूर्यवंशम। बेटा कुछ भी करना, बड़े हो के बाप की तरह बाइक मत चलाना। तो शानिस बोल रही है उसको इसमें बैठना है। शोभित जाएगा तो उसके साथ? मुझे सच में जाना है। अच्छा कैमरा चालू है, पहले क्या बोल रहा था मैं नहीं बैठूंगा। और ये लोग जो है सच में जा रहे हैं। क्या है भाई ये, क्या है ये? अरे भाई साहब, इट्स हैपनिंग। शोभित फिट हो गया भाई। क्या शोभित की प्रॉपर्टी की मम्मी के नाम?
और इसका आई को देख के बड़ा जा बैठा है, एसी को चालू हो तब देखना जो भी टच कर रहा है चेन में टूटना चाहे। और ये लोग चालू हो गए ऊपर जाके, वाह 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 खतरनाक। और स्काई को लग रहा है शानिस कहीं चली गई है, ये देखो अभी देख रहा है। अरे बाप रे कैसे एक्सपीरियंस था? ओहो इतना अच्छा। इसको ले यार रो रही है, इसको ला तू चली गई किधर, कैसे एक्सपीरियंस था? बहुत मजा देख रहा था मैं ऊपर से, इसको मजा है। तेरी हालत क्या थी, गालियां दे रहा था देखा मैंने। मैं गाली क्यों दूंगा ये बता। अभी मैंने बोला इसका यूज ही नहीं कर रही थी, हम यूज कर लेते बट मैं फिट ही नहीं हो रहा इसमें, ये सब ट्राई कर रहा है। मेरे पैर लग रहे इधर जोर से लग रहे, घुटने पे शिन पे लग रहा है भाई, शिन टूट जाएगा। ये क्या है, बहुत तेज बच्चा ये क्या तरीका है? ये देखो भाई ये इसके लिए इंडियंस का नाम खराब है, छोड़ गया भाई पकड़ उसको, ब्रेक नहीं है। अरे भाई रोहन इज ऑल्सो हियर और इस चीज की बात कर रहे थे, इंडोर क्या बोलते हैं आइस स्नोबोर्डिंग, स्नोबोर्डिंग वाव ये बंद है वरना क्या मजा आती भाई साहब ऊपर जाके, पर कम से कम ये $300-400 का हो गए। $850-600 आ जाओ। और जो $12 दिए थे $100 के वो डिच कर दिया बिकॉज बस शोभित का जैकेट ही घूम रहा था उसमें, ये तो बैठ नहीं रही थी मैडम। और अब ये यहाँ पर आया, ये अच्छी जगह लग रही है फ्री की फोटो निकालने के लिए। क्या हुआ बेटा? तो अभी ये जो टॉय है ये देखो, ये व्हाइट टाइगर पे अभी स्काई बैठी है, शोभित चला रहा है। इसके पहले मैच चला रहा था, मेरा वीडियो निकाला निकाला ना तो अरे भाई मतलब स्काई को इतना उसको उसको रियलाइज नहीं हो रहा कि मैं पीछे नहीं बैठा हूँ, चुपचाप शोभित बैठ गया। उसको बहुत मजा आ रहा है भाई, सही चीज़ है भाई, बहुत सही चीज़। एक्चुअली मैं मना कर रहा था शहनाज वाला ले ले, एंड शी इज एक्चुअली हैविंग अ वेरी गुड टाइम। कुछ भी बोलो आज बच्चा बन गए हम लोग सब, बहुत मस्ती की। पहले हमारा ट्रिप में मोस्टली मॉल शॉपिंग रहता था, कुछ नहीं कर रही है ऐसे कर रही है। यस बेटा अभी फुल फॉर्म में आ गई अपनी बच्ची, मजा आया शॉपिंग, सब बच्चे बन गए, सब बच्चे बन गए, सब बच्चे बन गए। और इसी में ही मजा है, ये छोटी मोटी चीज मस्ती वस्ती करने में इसी में मजा है, पहले मॉल ट्रैवलिंग एक्सप्लोरिंग। लेकिन वो आज जो दिल से खुशी मिले रहने चाहिए ना, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया ऋषभ ने, लेकिन वो घोड़ा गाड़ी वाला एक्सपीरियंस नहीं लिया। पर रोलर कोस्टर में आता हमारे साथ, रोलर कोस्टर में जाना चाहिए था। हां भाई ये उम्र है कर ले, बहुत 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 जगह घूम। अरे हां अभी तो बहुत लंबा रोड ट्रिप है, बहुत कुछ होने वाला है, वो तो आता रहेगा ना इधर। अरे भाई पूरा रोड ट्रिप कितना लंबा है अपना, वी आर बैक होम। और अभी जो फ्रेम आने वाला है ना, आई थिंक आने वाले बहुत सालों तक मैं ये फ्रेम को एंजॉय करूंगा, ये वाला कितना अच्छा फ्रेम है। बेचारी हमारी बहुत नींद में, हम रेस्टोरेंट जाके खाएंगे। आई स्टिल रिमेम्बर शोभित भाई का वो इरिटेटिंग फेस, मैं और जुने का टर टर। अरे देखो याद है कि नहीं आशीष, वो शूज हम लोग लद्दाख जाते थे और जुनेद बोलता था शोभित को नॉट प्रेस ब्रेक, अभी शोभित बोल लाइक अरे सीरियस ब्रेक नहीं मारने का, तो मैं और शानिस हम डबल सीट लेके बिना ब्रेक के चल रहे हैं, आशीष भी चल रहा है। शोभित बोलता है इसकी माँ का घाट है, ब्रेक नहीं मारूंगा। शोभित आई कैन सी द रेड लाइट प्रेसिंग ब्रेक, ये बोल रहे हैं हां भाई क्या करूं ब्रेक नहीं मारूंगा तो गिर जाऊंगा, नहीं हो रहा भाई। आई स्टिल रिमेंबर शोभित शॉर्टकट, मत आना मत आना, गया मैं गया हूँ। शोभित वो जो ब्रांड है रोहन कैसे प्रोनाउंस करेंगे उसको? एलैंड क्या आलान, या आलान पे आ गई शोभित ने पूरी कोशिश की कि भाई मैं तो छोटा बच्चा हूँ, बड़ी शरारत करता हूँ, मेरी चोरी पकड़ी जाती। शोभित क्या कर रहे हैं बेटे, इधर आओ, क्या है ये दसवीं पास, ये बताओ ये क्या लिखा, ये क्या लिखा आप बोलो, पढ़ के बोलो। लिंडे बर्गर, लिंडे बर्गर, निकल निकल डोलियन, निकल डोलियन, नहीं नहीं निकल डोलियन।